आज मैं आपको लेकर आया हूँ रांची की सबसे छोटी लिट्टी, पंडित जी की लिट्टी का। इनके यहाँ की जो लिट्टी है रांची में बहुत ही छोटे साइज में मिलती है और 30 रुपए के 6 पीस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी लिट्टी की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सेटअप इनका, एकदम छोटी छोटी लिट्टी यहाँ पे लगाई हुई है, नीचे अंगीठी लगी हुई है, एकदम गर्मा गर्म इसको सेका जा रहा है। इसके ऊपर साइज देख सकते हो कितना छोटा है, आटे की रहती है, अंदर से सत्तू की फिलिंग रहती है। तो देख सकते हो वहाँ पे फटाफट लिट्टी बनाई जा रही है, आटा लेके सत्तू की फिलिंग की जा रही है। तो एक एक करके देख सकते हो हमारे यहाँ पे लिट्टी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो पेड़े बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र पांडे, 1962 का दुकान भैया, मेरा पिताजी बेचते थे, 4 ना के 5 को बेचते थे। तो कैसे सोचा छोटी लिट्टी लगाने का, बाकी लोग तो बड़ी बड़ी लिट्टी लगाते हैं। मेरा पिताजी बेचते थे तो वही देखा था कि हम लोग भी बेच रहे हैं। दुकान तो सुबह 10 बजे लगता है, चोखा चटनी मेरा माँ बना के देती है, हम लोग यहाँ बेचते हैं। चोखा किसका रहता है, आलू का रहता है? आलू का रहता है, घी वाला 40 रुपए प्लेट है, सादा 30 रुपए प्लेट है, सब 6 पीस रहता है। हम लोग दाम ऐसा रखे है ना ताकि सब तरह का आदमी आके खा सके। चटनी कौन कौन सा रहता है साथ में? टमाटर का चटनी, आलू का चोखा है, मूली का सलाद है, मिर्चा का चार है। तो भैया ऐसे हाथ से लिट्टी बनाते जलता नहीं हाथ? जलता भी है, आदत हो गया है। पानी हवा से कोई जीत सकता है। तो देख सकते हो कितनी मेहनत का काम है, एकदम हाथ से लिट्टी को खा रहे हैं, बहुत ही गर्म रहती है। तो हमारी यहाँ पे लिट्टी रेडी हो चुकी है, अब हमारी यहाँ पे प्लेट लगाई जाएगी। तो देख सकते हो हमारी यहाँ पे लिट्टी लगने जा रही है। तो सबसे पहले लिट्टी को चूरा करके देसी घी में डाला जा रहा है। तो भैया इसको तोड़ के क्यों डाला जाता है? तोड़ के डालिएगा तब घी अंदर पेसेगा। अच्छा, अंदर अच्छे से रच जाता है घी। तो लिट्टी को तोड़ के देसी घी में डाल दिए, अब इसको निकाल लिया जाएगा प्लेट में। तो देसी घी के साथ 6 पीस हमारे लिट्टी।